Hey everyone, good morning, welcome back to my channel पूर्वी काले लॉग। So guys, आज हम लोग जाने हैं दर्शन करने के लिए रामधरा, जो कि पुणे से 8 किलोमीटर है। पुणे से नहीं, हमारे घर से 8 किलोमीटर है। पुणे से आप जहां जहां से आओगे अलग अलग जगह से, तो आप लोगों को डिस्टेंस का थोड़ा फर्क पड़ेगा। So आज हम लोग जा रहे हैं रामधरा, और हम लोग ना कब से सोच रहे रामधरा जाने का, बट हमारा प्लानिंग ही नहीं हो पा रहा है। और एक बार हम रेडी भी हो गए थे, सब कुछ कम्प्लीट हो गया था, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। ऑलमोस्ट 4 बजे हम लोग घर से निकले थे, सो हमारा प्लान हो गया था कैंसिल। बट आज हम लोग जाने वाले हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रही है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। मंदिर हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, 1:30 बज चुकी, खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है। सो चलो आज आप लोगों को करवाते हैं रामधरा का टूर और दर्शन। और जो लोग पुणे से हैं वो लोग आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है। मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा है, सो मैंने सोचा कि हमारी फैमिली को भी रामधरा मंदिर दिखाना चाहिए, और जो जो लोग आ सकते हैं वो भी आइए। सो गाइस, फिलहाल हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए, रोड थोड़ा सा खराब है, इधर ना कॉलोनी वगैरह भी कट रही, थोड़ा गांव जैसा एरिया है, तो गांव की वजह से थोड़ा सा ना यहां पर ना कच्चा एरिया है। मैं आपको रोड दिखा देती हूं अगर आप लोग आओगे तो। सो गाइस, 1 से 2 किलोमीटर हो गए हमको चलते चलते, और यहाँ पर रोड देख सकते हो थोड़ा सा कच्चा सा है, यहाँ पर गाँव एरिया जैसा है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर ना सीमेंट की रोड नहीं है, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा एरिया है। और एरिया सच में बहुत सुंदर है, खेत वगैरह है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। हमारी गाड़ी तो 20 की स्पीड से ऊपर ही नहीं है। और ये देखो यहाँ का कुछ एरिया, आप लोगों को भी थोड़ा सा ना हेल्प हो जाएगा अगर आप लोग आते हो कभी, रास्ता वगैरह भूल जाते हो तो। मैप में वैसे है रामधरा का, तो मैप के थ्रू भी आप लोग आ सकते हो। गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत सुंदर से लोकेशन, जहाँ पर आप लोग आकर फोटोशूट भी कर सकते हैं, तो पहले वो देख लो। ये देखो गाइज कितना ज्यादा सुंदर है, ये देखो ऐसा लग रहा है, पता है हम लोग रेगिस्तान वगैरह में आ जाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा लग रहा है। ये पीछे पहाड़, ये देखो वाओ, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखो इधर भी, और पता है पीछे कैनाल भी था जहाँ पर बच्चे नहा वगैरह रहते, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो पीछे सब जगह जितना भी आप देख रहे हो ना, सारे पहाड़ वगैरह है, और रोड एज इट इज जैसा का ऐसा ही। 2 किलोमीटर हम लोगों को चलते चलते हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा रोड खराब है आगे का, क्योंकि तो गड्ढे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। और देखो पता है लोकेशन यहाँ का बहुत अच्छा, आप लोग फोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हो। यहाँ पर ये बोर्ड दिख जाएगा जो कि है रामधरा शिवालय का, और ये है रास्ता आगे की साइड में जाने का, तो ये देख सकते हो आप। आप लोगों को भी थोड़ा सा ना हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग रास्ता वगैरह भूल जाते हो या फिर लोकेशन नहीं मिलती है। सो तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं रामधरा मंदिर दर्शन के लिए, सो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सोलापुर हाईवे से राइट टर्न लेना पड़ेगा, जहाँ पे एक छोटा सा गांव निकलेगा, उससे ही आपको सीधे सीधे आना है, कहीं नहीं मुड़ना है। और यहाँ पर सुविधाओं के हिसाब से छोटे मोटे बोर्ड भी लगा रखे हैं, जो कि आप लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे, और मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है। सो गाइज, हम लोगों ने मंदिर के लिए एंट्री ले ली, ये मंदिर का मेन गेट है जिसके अंदर से हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग करेंगे गाड़ी पार्क, तो मैं आपको पार्किंग की जगह भी बताती हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर लिखा है पार्किंग, और यहाँ पर करेंगे हम लोग गाड़ी पार्क। ये देखो कितना सारा स्पेस है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए, गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी। यहाँ पर पता है 4 व्हीलर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, देख सकते हो पूरा ये एरिया खाली है, जहाँ पर कर सकते हो आप लोग गाड़ी पार्क। 2 व्हीलर पार्किंग अलग है, वहाँ जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं, यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री लेंगे हम लोग गाड़ी पार्क करके। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ खाने वाने का आप लोगों को खरीदना तो आप लोग खरीद सकते हो। हमने ली है पानी की बॉटल, क्योंकि प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, गर्मी का भी टाइम है, और ऊपर से ना मंदिर थोड़ा बड़ा है तो टाइम लगने वाला है। सो इस हिसाब से हमने पानी की बॉटल ले ली है, और खाने का तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, खाने का भी बहुत सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। सो चलो चलते हैं मंदिर में, करते हैं दर्शन। तो गाइज यहाँ पीछे बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 व्हीलर पार्किंग। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी है इधर, यहाँ पर है 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग सेपरेट सेपरेट है। और इधर से मंदिर बहुत पास में है पता है, और धूप बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी पानी की बॉटल वगैरह कैरी करके आना अगर आप लोगों के साथ बच्चे वगैरह हो तो भी, और खाने का थोड़ा बहुत सामान लेकर आना। खाने का यहाँ पर है, बट फिर भी अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग खाने का सामान और पानी की बॉटल ज़रूर अपने साथ में लेकर आए। गाइस,
मंदिर का आप लोग टाइम देख सकते हो, यहाँ पर मंदिर टाइम लगा है 7 से 5 और इसी टाइम पे आपको आना है इसके अंतर्गत। और ये रहा मंदिर का मेन गेट जिसके अंदर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, फाइनली करेंगे हम लोग। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो कि तालाब के बीचों बीच मंदिर है, जिससे मंदिर की सुंदरता और ज्यादा बढ़ रही है। और पता अगर आप लोग यहाँ आओगे ना तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है और कितना ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो तालाब भी बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ का, और यहाँ पर ना एरिया बहुत ज्यादा है, इस वजह से ना उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ के आती है। और यहाँ पर लोग पिकनिक स्पॉट के हिसाब से भी आते हैं, पिकनिक वगैरह बनाते हैं, दिन भर आराम से घूमते फिरते हैं, रेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं और भी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे वगैरह झाड़ पे चढ़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। लोकेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को फोटो वगैरह भी खिंचवाना हो तो अच्छा है और पिकनिक वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। सो एक बार आप यहाँ पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं लगाई गई है जो कि भगवानों की प्रतिमाएं हैं। और ये देखो मंदिर का कुछ एरिया, बहुत सुंदर मंदिर है सच में, आप लोग एक बार जरूर आना यहाँ पर। और फिलहाल हम लोगों के दर्शन हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड में। तो ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के बैक साइड में ही कुछ इस तरीके का एरिया है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि हम लोग जंगल में आ गए हैं, और ये देखो कुछ जंगल जैसा एरिया ही आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह भी थे जो आराम से घूम रहे थे, लोग उनको मतलब कुछ खिला पिला रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे उन लोगों के साथ में भी। और यहाँ पर ना चेयर्स वगैरह भी है, आराम से आप लोग आकर बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और इस तरीके की झोपड़ी वगैरह है जिसमें भी चेयर वगैरह लगी हुई है। और ये है मंदिर का बैक साइड। सो गाइज हम लोगों के रामधरा के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए हैं और इतना ज्यादा मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये रोड थोड़ा सा ना सकड़ा है, अगर ना दो लोग आमने सामने से आए ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं ना फिलहाल अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ना जो छोटी सी सकड़ी सी रोड रहती है ना उसमें थोड़ा सा डर लगता है, बट इतना ज्यादा मजा आया हम लोगों को। पिकनिक एरिया वगैरह भी है। सो आप लोग ना मस्त यहाँ पर आकर अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर सकते हो, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर आकर। आप लोग जरूर आना रामधरा, और मंदिर बहुत सुंदर है। जब तक आप लोग आओगे ना तब तक आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि मंदिर कितना सुंदर है। सो गाइस जरूर आना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और मैं करती हूँ आपसे घर जाकर बात, ब्लॉग हम घर जाकर ही एंड करेंगे। दर्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, और दर्शन हम लोगों के इसलिए भी ज्यादा अच्छे हुए क्योंकि पता है वहां पर ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आराम से लोग दर्शन कर रहे थे और आराम से मंदिर इतना ज्यादा बड़ा है ना तो मंदिर के अंदर ही आराम से बैठे हुए थे। और इतना ठंडा लग रहा था ना मंदिर में, तालाब भी पास में और मंदिर भी एकदम बीचम बीच है ना, तो इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी ना कि लग ही नहीं रहा था कि गर्मी का मौसम है। वैसे भी पुणे में ना अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, अभी तो मार्च ही स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल और मई बचा हुआ है तो भी पता है सच में पुणे में बहुत गर्मी हो रही है फिलहाल। और वहां जाकर ना हम लोगों को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वहां पे रिलैक्स लग रहा था, झाड़ वगैरह भी थे ना तो ग्रीनरीज वगैरह के कारण ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गर्मी का मौसम, ऐसा ठंडा ठंडा सा मौसम था। और सभी लोग ना पिकनिक वगैरह बनाने आए थे, मस्त खाना वगैरह खा रहे थे और रैकेट वगैरह खेल रहे थे, सब कुछ मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे सभी लोग। सो पिकनिक के हिसाब से भी हम लोग जा सकते हैं, अगर आप लोग सुबह जाते हो तो दिन भर वहां आराम से 5 बजे तक रहो, 7 बजे मंदिर खुल जाता है, 7 से 5 आप लोग दिन भर मस्त वहां पर रहो, एंजॉय करो, सारी सुविधाएं वहां पर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप लोगों को भी जाकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, दर्शन आप लोग करना वहां पर बहुत अच्छा लगता है रामधरा मंदिर में।
सो गाइज हम लोग गए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताती हूँ कि हमारी फैमिली को भी पता होना चाहिए ना कि अगर मंदिर कहाँ कहाँ पर है और किस किस तरीके से टाइमिंग है और किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया है। सो गाइज इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप सो गाइज कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम लोग जहां भी जाए पुणे के आसपास में एक्सप्लोर करें तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह है पुणे के आसपास में घूमने के लिए। सो प्लीज गाइज सपोर्ट बनाए रहे, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों को शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।